इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो गया आपको? कौन थे वो लोग? नहीं, तुम उन्हें नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक लोग थे। चलिए मैं आपका अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो, मैं मरने से पहले कुछ बयान देना चाहता हूँ। प्लीज, पास में एक पुलिस स्टेशन है, तुम वहां से जल्दी से जाके किसी को ले आओ। लेकिन मैं आपको इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? मेरी परवाह मत करो, जाओ, प्लीज जाओ। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, वहां पुल के नीचे एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी। सर चलिए ना, जल्दी करिए ना, मर जाएगा वो। आहिस्ता बोल, सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा है। किसका खून करके आया? खून मैंने नहीं किया सर, मैंने कुछ गुंडों को खून करते हुए देखा है। वो इंस्पेक्टर मरने से पहले बयान देना चाहता है। बोल, किसका खून करके आया? सर प्लीज सर, जल्दी चलिए ना, मर जाएगा वो। इधर तो हम मर गए तो है पन घट पे देवड़ा छेड़। चलना किधर? बड़ी रेलवे पुलिया के नीचे। वहां तू क्या कर रहा था? सर मैं तो वहां से घर जा रहा था, तो मैंने कुछ गुंडों को खून करते हुए देख लिया। ओ, खून गुंडों ने किया? और कपड़े तेरे लाल हो गए? साला देवड़ा को उल्लू बनाता, देवड़ा को। सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो पुलिस की मदद करने आया हूँ। तुम जैसे गुंडों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सर मैं गुंडा नहीं, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। भाई साला, देवड़ा के हाथ को पकड़ता है, देवड़ा के। साला खून खुद करता है और देवड़ा को सफाई देता है। हाथ पांव तोड़कर गले में डाल दूंगा, समझा? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन तो करिए, खून मैंने नहीं किया, आप एक बार चल के देखिए तो सही। अरे हाँ, देवड़ा तो ये भूल ही गए। चल इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं पुलिस को लेकर आ गया हूं। इंस्पेक्टर साहब बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं, बोलिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मुर्दा ना बोले तो तूने इंस्पेक्टर शर्मा का खून कर ही दिया। खून मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं नहीं किया, मेरे खून नहीं किया। इंस्पेक्टर शर्मा का खून नहीं किया। चले क्यों ये लोग, क्या बोलता है? पुलिस से पंगा लेता है? पुलिस से? शशन, लगा दे इस पे दफा 302। चल साला, इंस्पेक्टर का खून करता है और मुझसे हेकड़ी है? सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा है, समझो, देवड़ा। बोलो, पानी चाहिए? एक फोन करना था, प्लीज इतना सा एहसान कर दीजिए मुझ पर, प्लीज एक फोन। अच्छा देता हूं।
ये लो, इससे पहले को जल्लाद आ जाए तुम जल्दी फोन कर लो, जल्दी करो। हेलो, कौन बोल रहा है? विक्रम बोल रहा हूँ। विक्रम, इस टाइम पे? पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? विक्रम, डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। ये तो पुलिस की विक्रम के साथ सरासर जाते हैं, वो कभी खून कर ही नहीं सकता, उसे जान बूझ कर फंसाया था। आप लोग यही रुकिए, हम विक्रम को लेकर आते हैं। विक्रम, किरण, विक्रम घबराओ मत, एडवोकेट साहब तुम्हारी जमानत के पेपर साथ लेके आए हैं, लेकिन तुम्हारी ये हालत, ये खून, ये सब कैसे हो गया? गूंगे और बहरे कानून के रास्ते में आकर अपने को जख्मी कर बैठा। मुझे कत्ल के झूठे इल्जाम में इन लोगों ने बंद कर दिया और जुर्म कबूल ना करने पर मारा पीटा। विक्रम, विक्रम, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं डैडी से बात करूंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। यू डोंट वरी विक्रम। चचन जी, ये भीड़ क्यों लगा रखी है? ये कौन लोग? वकील साहब विक्रम के बेल ऑर्डर लेके आए हैं। विक्रम के बेल ऑर्डर? तुम ये लो और बड़े साहब को देके आओ, जाओ। विक्रम के बेल ऑर्डर? ओहो, वाह। क्या रे? हेलो सर, माय सेल्फ मिस्टर मोगरा, मैं मिस्टर विक्रम का वकील हूँ और ये रहे मिस्टर विक्रम के बेल ऑर्डर, देख लीजिए। देख रहा हूँ, बाकायदा देख रहा हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप हैं मिस्टर एडवोकेट काला कोट और आप उस कातिल की माशूका। इंस्पेक्टर साहब, विक्रम कातिल नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। अरे कैसे छोड़ दूं उसको, उसने इंस्पेक्टर का खून किया है, इसका फैसला अदालत करेगी, उसे फांसी तो होगी होगी। विक्रम कोई ऐरा खेरा नहीं है जो तुम्हारे अंधे और बेलगाम कानून के रास्ते में आकर अपनी जान गवा बैठे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, इस शहर के सारे स्टूडेंट्स विक्रम के साथ हैं। तो भी कान खोल कर सुन ले कि सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा है और कान सिंह देवड़ा किसी की गीदड़ भपकियों में आने वाला नहीं, समझी? जाने दो इंस्पेक्टर, ये लो बेल ऑर्डर और मिस्टर विक्रम को छोड़ दो। ये तुम्हारा कोर्ट रूम नहीं है, देवड़ा का पुलिस स्टेशन है और यहाँ देवड़ा का राज चलता है, समझा? ये अपने रद्दी के टुकड़ों को ले जा और जा, चला जा यहाँ से। मिस्टर देवड़ा, तुमने ये कागज फेंक के कोर्ट की इंसल्ट की है, मैं तुम पे मुकदमा करूंगा, तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा। तुमको जो करना कर लो, तुम जैसे वकील मेरी पॉकेट में रहते हैं, समझा? और तुम जैसे फटीचर वकीलों की मैं परवाह भी नहीं करता हूँ। गद्दा उठा मेरा। हम विक्रम को साथ लेकर जाएंगे, तुम्हें विक्रम को रिहा करना ही पड़ेगा। अगर उस लौंडे को रिहा ना करूँ तो क्या कर लोगी? पुलिस स्टेशन को! पुलिस स्टेशन को! हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? और अगर अब भी तुमने विक्रम को रिहा नहीं किया तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार भी तुम और सिर्फ तुम होगे, मिस्टर कान सिंह देवड़ा। आज का दिन तुम्हारा, लेकिन कल देवड़ा का होगा, देवड़ा का। राम सिंह,
लौंडे को छोड़ दो। पुलिस की दादागिरी अत्याचार की हद ही कर दी इन पुलिस वालों ने। जब ये लोग एक बेगुनाह पर इतना अत्याचार कर सकते हैं तो गुनेगार अफसर न जाने क्या करते होंगे। इन पुलिस वालों को अधिकार दिया किसने? आजादी ने, जिसका जश्न हम सब लोग मनाने जा रहे हैं। आज 15 अगस्त है ना, ये तोहफा मिला है मुझे। लेकिन हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ही मिनिस्टर के सामने स्टेडियम में एजिटेशन करेंगे। हाँ किरण ठीक कहती है, हम आज काला दिवस मनाएंगे और मंत्री जी को काले झंडे दिखाएंगे। नहीं बाबू, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी सभ्यता और हमारी आजादी का अपमान हो। काला ध्वज फहराकर हम भारत माता के माथे पर काला टीका नहीं लगा सकते। लेकिन मंत्री जी से इस अत्याचार का मतलब जरूर पूछेंगे। मंत्री जी से मतलब तुम पूछते रहना विक्रम, लेकिन हम इस पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे जहाँ पे तुम्हारे साथ ये सब अत्याचार हुआ। अबे ओ विक्रम के चमचो, सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा। तुम लोगों के साला मुर्दाबाद कहने से कान सिंह मुर्दा नहीं हो जाएगा। अगर इसकी लपलपाती लाल जबान खुल गई तो तुम में से दो चार मुर्दे जरूर नजर आएंगे, समझे? अब एक बात खामोशी से और गौर से सुन लो, तुम लोग यहां से दफा हो जाओ। अरे विक्रम की औलाद इधर देख। हर 24 घंटों में एक बार तू कान सिंह देवड़ा की अदालत में हाजिरी देगा। दफा हो जाए। साला कान सिंह देवड़ा से पंगा लेते हैं, लल्ले लगा दूंगा लल्ले।